इस वीडियो में हम लोग भूगोल पढ़ेंगे और लुसेंट के जो भूगोल हैं इसको चैप्टर वाइज एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भूगोल होता क्या है। तो देखिए, भूगोल के विषय में जो प्राथमिक जानकारी है वो जो है यूनान वासियों को था, अर्थात जो है यूनान वासियों को ही भूगोल का क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि भूगोल का जो है शुरुआत यूनान से ही शुरू होता है। एक ज्योग्राफर हैं यानी भूगोलवेत्ता हैं, इनका नाम है हिकेटियस। हिकेटियस जो है एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है, पुस्तक का नाम है जस पीरियोडस। तो जस पीरियोडस नामक एक पुस्तक लिखते हैं और इस पुस्तक का, जस पीरियोडस का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, ठीक है, इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। और जो है इस पुस्तक में ही इन्होंने सर्वप्रथम भौगोलिक जो तत्व हैं उनका जो है क्रमबद्ध समावेशन किया था। इसके अलावा यदि देखी जाए कि भूगोल जो है स्वतंत्र रूप से 19वीं शताब्दी में भूगोल जो है स्वतंत्र विषय के रूप में जो है अध्ययन किया जाने लगा। इसके अलावा अगर 20वीं शताब्दी में देखें तो 20वीं शताब्दी में जो भूगोल था ये मनुष्य और पर्यावरण के जो पारस्परिक संबंध होते हैं एक दूसरे से, इसके अध्ययन के रूप में जो है इसका विकास हुआ। और मनुष्य और पर्यावरण के रूप में देखी जाए तो इसको दो भागों में जो है, यानी इसके जो है दो रूपों में दो विचारधाराएं आई भूगोलवेताओं के तरफ से। पहली भूगोल जो विचारधारा थी वो थी संभववाद विचारधारा थी और दूसरी जो विचारधारा थी वो निश्चयवाद थी। ठीक है, तो संभववाद वाले जो भूगोलवेत्ता थे उनका मानना ये था कि जो मनुष्य है यह पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, यानी मनुष्य जो है पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, जबकि जो है जो निश्चयवाद भूगोलवेत्ता जो विचारधारा के मानने वाले थे, इनके अनुसार ये कहा जाता था कि मनुष्य के जो है सारे काम कौन करता है, पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अर्थात जो मनुष्य होता है स्वेच्छापूर्वक कुछ करने में क्या है, स्वतंत्र कम है, यानी उतना जो है स्वतंत्र नहीं है। तो संभववाद का मानना था कि मनुष्य जो है पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है, जबकि निश्चयवाद का जो है मानना क्या था कि यह जो है नहीं कर सकता है, ये जो है बल्कि पर्यावरण ही जो है पूरा जो है क्या कार्य करती है, ठीक ना, पर्यावरण द्वारा ही जो है मनुष्य के सारे काम क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। ठीक, इसमें कुछ भूगोलवेत्ता हैं जैसे संभववाद को जो है मानने वाले भूगोलवेत्ता हैं जिनका नाम है वाइडल डी ला ब्लास, ठीक है, वाइडल डी ला ब्लास ये जो है क्या है, और इनके साथ में जो है एक है फैब्रे। ये दोनों लोग जो है संभववाद को मानने वाले हैं, जबकि निश्चयवाद को मानने वाले जो भूगोलवेत्ता हैं उनका नाम है रीटर के अलावा रैटजेल के अलावा एलन सेम्पुल और उसके बाद हटिंगटन। तो ये जो है एक निश्चयवाद को मानने वाले थे। आगे जो है देखते हैं हम लोग भूगोल के जो है जनक है? तो भूगोल के जनक में जो है भूगोल का जो जनक है, ठीक, भूगोल के जनक, ठीक है, भूगोल के जनक जो है हिकेटियस को माना जाता है। किनको?
केटीएस, केटीएस को भूगोल का जनक माना जाता है, जबकि वर्तमान भूगोल का पूछे कि वर्तमान वर्तमान भूगोल के जनक, वर्तमान भूगोल के जनक पूछे तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को जो है वर्तमान भूगोल का जनक माना जाता है। इसके अलावा भी आपसे पूछे व्यवस्थित व्यवस्थित भूगोल, ठीक है ना, व्यवस्थित भूगोल के जनक पूछे तो इरेटोस्थनीज को माना जाता है, इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज को जो है व्यवस्थित भूगोल का जनक माना जाता है। इसके अलावा जो है जियोग्राफी का जो शब्द है, ठीक है, जियोग्राफिया, जियोग्राफी का, जियोग्राफिका शब्द है, इसको भी सबसे पहले किसने दिया था, इरेटो अस्थनीज के द्वारा ही दिया गया था। आगे भौतिक भूगोल, ठीक है, भौतिक भूगोल के जनक जो है पूछा जाए तो भौतिक भूगोल के जनक हैं पोलीडोनियम, इनको जो है भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। बल्कि जो है आगे सांस्कृतिक भूगोल, ठीक है, सांस्कृतिक भूगोल का जनक, सांस्कृतिक भूगोल का जनक जो है कार्ल ओ सावर को माना जाता है। कौन है, कार्ल ओ सावर, कार्ल ओ सावर को जो है भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। आगे आपसे पूछ सकता है गणितीय भूगोल, ये गणितीय भूगोल, ठीक है, गणितीय भूगोल के जनक पूछे तो गणितीय भूगोल के जनक हैं थेल्स और एनैक्सिमेंडर, थेल्स व एनैक्सिमेंडर, एनैक्सिमेंडर, थेल्स और एनैक्सिमेंडर को गणितीय भूगोल का जनक माना जाता है। विश्व ग्लोब का निर्माता, जो विश्व ग्लोब का जो है निर्माता किसको कहा जाता है, तो विश्व ग्लोब का निर्माता है मार्टिन वैहम, ठीक है, मार्टिन वैहम को विश्व ग्लोब का जो है निर्माता माना जाता है। विश्व मानचित्र, विश्व मानचित्र के निर्माता जो है, विश्व मानचित्र के निर्माता, तो विश्व मानचित्र के निर्माता है अनेक्जीमेंडर, अनेक्जीमेंडर को, ठीक है, अनेक्जीमेंडर को विश्व मानचित्र का जो है निर्माता माना जाता है। जबकि भौगोलिक विश्वकोश का जो रचनाकार है, ठीक है, भौगोलिक विश्वकोश, ठीक है ना, भौगोलिक विश्वकोश के जो है रचनाकार, भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार भी उनको माना जाता है स्ट्रैबो को, ठीक है ना, स्ट्रैबो को भौगोलिक विश्वकोश का जो है रचनाकार माना जाता है। ठीक है, तो आगे जो है हम लोग अब देखेंगे कुछ भूगोल की कुछ जो है परिभाषाएं, भूगोल की परिभाषाएं। तो देखिए भूगोल की परिभाषाओं में हम लोग चार जो है परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्ट्रैबो का, ठीक है, स्ट्रैबो। दूसरा जो है क्लैडियस, क्लैडियस और टालमी का, क्लैडियस और टालमी का जो है। तीसरा जो है हम लोग कार्ल रीटर का देखेंगे, कार्ल रीटर। और चौथा जो देखेंगे आर्थर होम्स का, ठीक है, आर्थर होम्स,
तो ये चारों जो है, चारों लोगों का परिभाषा जो है हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में।